जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तब तब हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, और मैं मुकेश हंसराज आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही जानते हैं लोगों का कैसा रहा वर्ष 2021 और क्या शुभकामना देना चाहते हैं 2022 की ओर। हम सभी जानते हैं कि 2021 जो रहा बहुत ही संघर्षमय रहा। लोगों के घर बिछड़ गए, लोग काफ़ी बीमार हुए, अपने भी छूट गए और कुछ पराए भी मिल गए। ये साल का जो दौर था बहुत ही संघर्षमय रहा। इसमें अच्छे अच्छे जो जॉब कर रहे थे बड़े इंडस्ट्रीज में, उनको भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और ख़ास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, वैकेंसियां कम निकली और लॉकडाउन का भी सामना करना पड़ा। हालांकि डेल्टा वेरिएंट जो कि झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में इस बार देखने को मिला है, और साथ ही अभी आप सुन रहे होंगे कि कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन, वो भारत में भी दस्तक दे चुका है। तो हम सबों को एक सेप्टिक तौर पे वैक्सीनेशन लेना चाहिए और अपने हाथ को रेगुलर हैंडवाश करना चाहिए। साथ ही साथ मास्क और उचित दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए। भले ही हमने वैक्सीनेशन कर लिया हो पर ये सारी सेफ्टियाँ हमें रखनी चाहिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि क्या उनका नज़रिया है, किस तरह से उनका 2021 का वर्ष रहा और क्या शुभकामना वो 2022 में रखते हैं। 2021 तो उतना खास बढ़िया नहीं रहा क्योंकि कोरोना के वजह से हम लोग की अर्थव्यवस्था वगैरह बहुत कमज़ोर हो गई, ठीक है। और हमारे सबसे ज़्यादा हमारा दिक्कत हमारे बच्चों लोग को पड़ा, जिसमें उनका एजुकेशन जो था वो सही ढंग से नहीं चल पाए, उसकी वजह से हमारा बच्चों लोग का बेस बहुत कमज़ोर हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम से बच्चे लोग में बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा आया है। इस वजह से ये साल कोई खास उतना बड़ा नहीं, लेकिन अगले साल देखिए क्या होता है, क्योंकि इस बार ओमिक्रॉन भी आ गया है और वो भी जनवरी में बताया जा रहा है पीक आवर पर रहेगा। देखिए क्या होता है अगले साल के लिए। ठीक, नाम क्या हुआ? संजय कुमार। और कहां से हैं? जी मैं रहता हूँ बेलबागान शामलोंग में। 2021 तो बड़ी ख़राब गया, बाकी ये ने कोरोना वाला सब डोज पड़ गया है, दोनों डोज ले लिए हम लोग, सही सलामत से हैं। ये कि कमाई धमाई नहीं है, बाकी जितना है उतने में आदमी चला रहा है। और यही 2022 में क्या आप कामना रखते हैं? प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आदमी चल रहा है वही तरह से चलते भी रहेगा तो आदमी बदल जाएगा, सब आदमी सीधे अच्छा पोस्ट पर रहेगा, अच्छा रहेगा व्यवहार, अच्छा रहेगा तो काम भी सही रहेगा और क्या रहेगा। 2021 तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ख़राब रहा, और ये लास्ट दिसंबर का मंथ इतना ख़राब रहा कि ये हमारे आने वाले 5 साल पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। बहुत ख़राब मार्केट है, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है और ऐसा स्थिति हो गया है अभी झारखंड का विशेष करके कि मतलब कुछ इसके बोला नहीं जा सकता है। और 2022 में आप क्या शुभकामना रखते हैं? आशा तो ऐसे फ़िलहाल सब करते हैं कि हर साल अच्छा बीते, लेकिन अब देखते हैं 2022 में क्या होता है। न ठीक था न ख़राब था, मीडियम में चल रहा है, किसी तरह से दाल रोटी मिल रहा है। और बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा? बिजनेस तो बिल्कुल चौपट था। मेरा नाम शुभ जय कुमार महतो हुआ, और 2021 तो शुरुआत में बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, लेकिन अप्रैल आते आते तक ये 2021 जो है कि हम सबों को इतना दुखदायी घटना से अपनों से बिछाड़ करके और जो है जैसा तकलीफ कष्ट से हम सबों ने इस 2021 को आगे
बढ़ते हुए देखा। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया और बहुत सारे लोगों को दुख तकलीफ को झेलते हुए देखा। अब भगवान से ही प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं कि ये 2021 की तरह 2022 ना आवे, और आवे भी तो हम सबों का उस 2022 का शुभकामना है और अच्छे से अच्छा ये आने वाला साल हम सभी के लिए सुखमय एवं जीवनदायक हो। मेरा नाम बारिक इकबाल है, मैं रातू प्रखंड के बिजलिया गांव से हूं। 2021 कुछ खास नहीं रहा, मतलब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में ऐसे परेशानी बहुत सारी हुई, मेरे को नहीं सभी को परेशानी हुई इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन की वजह से जरा रहा काम भी हमारा छूट गया था, बीच में अभी फिर काम से ज्वाइन किए हैं, अभी काम चल रहा है अभी। और ये मेरे साथ में सभी के साथ में ऐसे ही चला। तो कामना करते हैं कि 2021 तो ख़त्म हो गया, कामना करते हैं 2022 आएगा अच्छा से मनेगा, सबके लिए अच्छा खुशहाली लेके आएगा। 2021 मीडियम ठीक रहा। 2021 मेरे लिए क्या, सारा पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं रहा। ये जो कोरोना जैसा बीमारी आया है ये हर साल घूम घूम के आ रहा है और नए नए वेरिएंट में आ रहा है, अभी जो कि ओमिक्रॉन नाम से आया हुआ है। तो ये जो कोरोना है, कोरोना विश्व के लिए 2021 बहुत ही ख़राब रहा और 2022 भी मेरे ख्याल से ख़राब ही जाने वाला है, कुछ खास अच्छा होने वाला नहीं है। ये 2021 तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं कि 2022 इससे और अच्छा रहे। 2021 वर्ष जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं कि कैसा कैसा स्थिति से हम लोग को गुजरना पड़ा, कोरोना का दूसरा फेज आया, पूरा सब इधर उधर पूरा हो गया, पूरा सब परेशान हो गए वो कोरोना महामारी से। उससे फिर उभर के उभरे भी काफ़ी जल्दी, फिर उभर भी गए और फिर यही स्कूल पढ़ाई उतना सही से नहीं हो पाया 2021 में। उम्मीद है कि अगला साल ठीक रहेगा, इससे कुछ रहे बढ़िया वही ठीक है, क्योंकि ये साल पढ़ाई में बहुत जोर पड़ा, असर पढ़ाई किसी का सही से नहीं हो पाया। अभी भी स्कूल नहीं खुला है बच्चा लोग का, बड़ा लोग का तो खुल भी गया, बच्चा लोग का अभी तक स्कूल नहीं खुल पाया है। पढ़ाई में ऑनलाइन तो होता है, तो फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल वाला जरूर करते हैं ऑनलाइन, लेकिन उतना हमको नहीं लगता कि बेनिफिट हो पाता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन जैसा ही जितना ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो जाएगा टीचर से, उतना ही अच्छा पढ़ाई हो पाएगा आपका। इसीलिए उतना बढ़िया तो नहीं हो पाया ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी मेहनत करना होगा सबको, ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन, अब जीना है यही इसी के साथ। मेरा नाम शंकर लाल गुप्ता हुआ। और 2021 वर्ष कैसा रहा आपके लिए? मेरे लिए 2021 वर्ष एक तरह से देखा जाए तो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमने पूरा क्लासेस ऑनलाइन ही किए, जबकि स्कूल जाना था, स्कूल जाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। किस क्लास में आप अभी पढ़ते? मैं अभी कक्षा 12 का छात्र हूँ। और 2022 में आप क्या कामना रखते हैं? 2022 में मैं एक्चुअली विद्यार्थी होने के नाते मैं बोल सकता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कि मेरा फोकस जैसे नीट पर है, तो मैं नीट को सबसे पहले क्लियर करूँगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो समस्या अभी आने वाला है वो ओमिक्रॉन, ये देखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि फिर से ऐसा ना हो कि हम लोगों को ऑनलाइन ही कक्षाएँ करना पड़े, क्योंकि ये तो 2021 में पूरा हम लोगों ने ऑनलाइन ही क्लास किया है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान रहे हैं, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी अन्य और अदर्स प्रॉब्लम बहुत रहते थे ऑनलाइन क्लास में, जिससे काफ़ी दिक्कतें हुई हम लोगों को। 2021 में तो बहुत ख़राब रहा मेरे लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अशोक कुमार महतो। क्या ख़राब रहा? मैं बीमार था बहुत ज़्यादा कोरोना में। कोरोना हुआ था नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। 2022 बहुत अच्छा आना चाहिए। अच्छा। और सबके लिए भी अच्छा रहना चाहिए।